हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कुमार सिंह। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मॉपअप राउंड के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो बात बोलूंगा। सबसे पहला कि थैंक यू सो मच कि जो भी मैं लाइव सेशन आता हूँ 10 से 11, उसमें अच्छा खासा आप लोग सपोर्ट दिखाते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और दूसरा कि आज का जो लाइव सेशन होगा उसके लास्ट के 5 मिनट में मैं एक स्पेशल टॉपिक से बात करने वाला हूँ जिसका नाम है प्रेम। ओके, तो ये स्पेशल सीक्रेट है, ठीक है? तो आप आओ लाइव में तो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए बात करते हैं हम लोग मॉपअप राउंड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मॉपअप राउंड क्या होता है। तो क्या होता है कि बिहार यूनि कॉलेज में थर्ड काउंसलिंग के बाद बहुत सारे सीट खाली रह जाते हैं। ओके, तो उस जो वैकेंट सीट है उसको फिल कराने के लिए क्या किया जाता है, एक मॉपअप राउंड चलाया जाता है, ठीक है? तो उस मॉपअप राउंड 3 टाइप के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहला, जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है, जो अभी रजिस्ट्रेशन छूट गया होगा वो भी भर सकते हैं। तो जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया वो भर लेंगे। और दूसरा, वो लोग भर सकते हैं जिनका मतलब 40% से नीचे है और कॉलेज सही नहीं मिला है, वो अपने कॉलेज और ब्रांच से खुश नहीं है, तो वो भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तीसरे, वो लोग जिनका 0 से 20 के बीच में परसेंटाइल है, जिनको कॉलेज मिला ही नहीं है, तो वो 3 टाइप के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस कैसा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें भी थर्ड काउंसलिंग के बाद जब आधे लोग जब कॉलेज चले जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है, एक मॉपअप राउंड चलाया जाता है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा उसको भरना होगा। और उसमें भी आपको जेईई मेंस का रोल नंबर, सॉरी जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर मांगेगा और दूसरा आपको डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, ठीक है? और उसी के तरह आपको यहाँ पे भी जैसे इस जैसे ये रजिस्ट्रेशन के बाद रैंक कार्ड आया है, वैसे ही इस टाइम में भी रैंक कार्ड आएगा, ठीक है? तो उसके बाद रैंक कार्ड आएगा तो आप रैंक कार्ड देख लेना अपना कितना रैंक है। अब बात यह है कि यहाँ पे क्या था कि आपको कॉलेज अलॉट होता था, ठीक है ना? यहाँ पे कॉलेज अलॉट नहीं होगा। क्या किया जाएगा कि आपको एक बीसीसी बिल्डिंग है पटना में ही बगल में, ठीक है, वहां पे आपको जाना होगा, ठीक है? और वहां पे आप जाओगे तो आपके रैंक के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो इसमें अलॉट होते समय 3 टाइप के चीज होते हैं। सबसे पहला कि जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए होंगे, जिनका मतलब जिनको कॉलेज मतलब रजिस्ट्रेशन छूट गया होगा, ठीक है, उनको सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा, ठीक है? सबसे पहला जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, ठीक है, और जेईई मेंस का एडमिट कार्ड वगैरह, और जितने जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस मतलब कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लेके जाना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा, ठीक है? और वहां पे आपको क्या किया जाएगा, डायरेक्ट वेरिफिकेशन के साथ आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो वो चीज होता है वहां पे। अब आते हैं दूसरे लोग के लिए। तो वो होते हैं जिनका कॉलेज अलॉट हो चुका है और उनको अच्छा कॉलेज चाहिए, तो उनके लिए क्या होगा, कुछ नहीं, बस केवल आप रिसिप्ट लेके जाओ, जो आपका 2610 रुपया लगेगा वो रिसिप्ट लेके जाना है आपको, और कुछ नहीं, और बस एक मतलब वहां पे जाना होगा आपको और वहां पे आपको कॉलेज अलॉट होगा आपके रैंक के अनुसार। तो ये जिनका जिनको कॉलेज मिल चुका है वो भी ये चीज कर सकते हैं। और तीसरे, वो लोग जिनका मतलब कम परसेंटाइल है, तो भाई वो लोग मॉपअप राउंड जरूर ट्राई करें, ठीक है? क्योंकि मॉपअप राउंड में आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे सीट वैकेंट रह जाते हैं। ओके, तो आप जाना, ट्राई करना उसमें और आपको सीट मिल जाएगा। तो बस यही 3 प्रोसेस है इसमें, मतलब ये है बस 3 प्रोसेस बताने के लिए, मैं वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा। ओके, बस यही है और उसके बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, फर्क ये पड़ता है कि थोड़ा सा आपसे पहले जो थर्ड राउंड में जो सिलेक्ट हुए होंगे और जिनका क्लास स्टार्ट हो गया, उनमें थोड़ा सा फायदा क्या हो जाता है कि उन लोगों का पढ़ाई जल्दी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अगर आप मॉपअप राउंड से जाते हो तो जल्दी एग्जाम होने का टेंशन रहता है, और दूसरा चीज की मतलब थोड़ा आपको टाइम कम मिलेगा, ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए या फिर मिड सेम के लिए आपको टाइम कम मिलने वाला है। तो थोड़ा सा आप लोग ट्राई बहुत सारे। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा रजिस्ट्रेशन वालों के लिए कि आप लोग कैसे ऐसे केयरलेस हो सकते हैं, ट्राई करो यार, मतलब देखो ये आपका फ्यूचर का सवाल है, आप लोग ऐसे ही छोड़ दे दो, ठीक है? ये चीज मत करना, अगली बार से ट्राई करना, और बस यही एक छोटा सा प्रोसेस है, आप लोग देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? और यही मॉपअप राउंड है। अब आते हैं प्रोसेस उसका, जान लेते हैं ये कैसे होता है, ठीक है? तो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो कि आपको मॉपअप राउंड में आने के लिए बीसीसी साइट पे जाना पड़ेगा। ओके, और देख लो यहाँ पे आपको एरो देखो, यहीं पे आपको एक लिंक आएगा और वहीं से आप मॉपअप राउंड करोगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मॉपअप राउंड में मतलब होता क्या है, क्योंकि जो भी मैंने बोला उसका एक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है? उसके लिए प्रूफ देख लो, ठीक है? प्रूफ, ठीक है, देखो बिहार कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड मतलब बीसीसी साइट है, ठीक है? तो अब बात यह है कि मैंने पहले ही बोला था कि इसके लिए आपको जब रैंक कार्ड निकलेगा तो आपको जाना पड़ता है, ठीक है? लेकिन जाएंगे कहाँ पे, पटना में। तो देखो यही है, बीसीसी ऑफिस जाना है तो कहाँ, आईएएस एसोसिएशन बिल्डिंग नियर पटना एयरपोर्ट, पटना 14, ठीक है? यहाँ पे एयरपोर्ट के बगल में ही है, ठीक है? ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा जूम कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर आप मॉपअप राउंड में हो तो यहीं पे जाना होगा, ठीक है? तो यही है आपका आईएएस एसोसिएशन बिल्डिंग नियर पटना एयरपोर्ट, पटना 14, ठीक है? और ये भी देख लो कि ये बिहार यहीं के लिए, ठीक है, इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए, ठीक है? तो बात ये कि इसमें मैंने पहले बोला 3 टाइप के लोग भर सकते हैं, तो आप लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले इस नोटिस को पढ़ते हैं, ठीक है?
तो सबसे पहला है बिहार संयोग, ये सब तो भाषण है, इसको क्या पढ़ना, ये सब मत पढ़ो, ये सब बेकार में है। तो सबसे पहले आते हैं कि हाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबसे पहले देखो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, सॉरी देखो ये सबसे पहले, अरे आई ब्लैक कहा जाता है। तो सबसे पहला है फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तो पहली बात कि यहाँ पे 1 तारीख को हुआ था 10 तारीख, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसका स्टार्टिंग बता देगा कि कभी कब स्टार्ट हो रहा है, फिर अंतिम तिथि बताएगा कि हाँ कब एंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है वैसे ही यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक तरह से समझो कि दोबारा रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा कि वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर नहीं, मतलब अगर आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करना होगा, ठीक है, मतलब ATM वगैरह से पेमेंट करना होगा, तो उसका देखो है भाई जमा करने का अंतिम राशि है 9 तारीख, मतलब समझो कि इसका भी अंतिम डेट निकालता है। और ये समझो कि सेम टू सेम, ये सेम टू सेम मतलब हम ही लोगों का रजिस्ट्रेशन वाला 2 कॉपी है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको डेबिट कार्ड से अपना करना होगा, तो ये सब चीज़ आप समझ सकते हो। तो जैसे कि मैंने, मेरा जो मोटिव है, मेरा जो बताने का जो रीज़न था वो ये था कि रैंक कार्ड, तो सबसे पहले बात कि रैंक कार्ड होगा, ठीक है, और ये रैंक कार्ड जो होगा तो आपको दिखाया जाएगा कि हाँ इतना रैंक है आपको। और बाद है काउंसलिंग के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, देखो यहाँ पे है ना अगला है पांचवा छठा, तो काउंसलिंग के लिए आपको कहाँ जाना होगा देख लो, IAS एसोसिएशन बिल्डिंग एयरपोर्ट पटना, ठीक है ना, यहाँ पे आपको जाना होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले बता रहा हूँ, ठीक है, एड्रेस, क्योंकि मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुआ था कि मैंने ये चीज मतलब नहीं देखा, बहुत घूमा था इसके लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ ले लो और यही है आपका सब चीज़, और बस इसके बाद आप एडमिशन लो। तो मैंने पहले बताया कि जिनका अगर 30 से कम परसेंटाइल है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेना, आपके लिए सही होगा, क्योंकि आपका तो वो कॉलेज मिला हुआ है, लेकिन अगर इधर नहीं मिलता है तो आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। तो चलो यहीं तक समाप्त करते हैं अपना कथा सामग्री, चलो ख्याल रखना, टट्टा सिविल। और हाँ लाइव के लिए ज्वाइन जरूर होना, ठीक है ना, मैं रोज़ 10 बजे लाइव आता हूँ, लाइव ज्वाइन करो। और दूसरी चीज़ की लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ओके, थैंक यू सो मच।